मुझे अपना परिचय दीजिए आप। माय नेम इज यूएस आचार्य श्रीमद् भागवत आचार्य इस्कॉन मंदिर वृंदावन। भागवत कथा मैं इससे पहले कभी इस गांव में आपका आना हुआ? इस गांव में 17 साल पहले भी मैं कथा कर चुका हूँ और इधर उधर भी कथा करता रहता हूँ, कथाएं मेरी चलती रहती है। महाराज जी मैं जानना चाहता हूँ, आज से 17 साल पहले जब आप इस गांव के अंदर आए थे उस समय जो रुख देखने को मिला था, उसके बाद कोविड में 2 साल रहे, उसके बाद में आपको कैसा लगा इस गांव में आकर के? जो भी जो भागवत कथा में जो लोग भीड़ इकट्ठी हुआ करती उस प्रकार से देखने को मिली या नहीं मिली? नहीं, बहुत अच्छी भीड़ मिली है, बहुत अच्छा प्यार मिला है गाँव बस्ती का। जी पहले से ज़्यादा। कहाँ कहाँ आप जाते हैं? बाहर भी जाता हूँ, पूरे विश्व में जाता हूँ, ऑस्ट्रेलिया यूएसए वगैरह, ऑस्ट्रेलिया सब जगह घूमता हूँ। जी बहुत अच्छी बात है। यहाँ का जो नारियल आता है, जो निमंत्रण आता है, वहीं जाता हूँ। भागवत जो एक सप्ताह के लिए जो भागवत होती है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, क्या उसको भागवत उद्देश्य है? जीव का कल्याण। जीव का कल्याण कैसे किया जाए वो सारी उनको बता दिया है। जैसे मानो 7 दिन के अंदर हमारा तक्षक नाग रूपी जो काल हमको जो मरने का जो भय पैदा है जीव के अंदर, ये उनको 7 दिन में ये ज्ञान कराया है कि तू जीव मरने वाला नहीं है, अजर अमर आत्मा है। काल जो आएगा तक्षक नाग रूपी जो खाएगा तो वो हमारे शरीर को खाएगा और हम शरीर नहीं है। आई एम नो बॉडी, आई एम परफेक्ट इन इट सॉल। बहुत बढ़िया। जो कमेटी के जो मैन जिन्होंने इस भागवत के बारे में जो विचार किए हो कि इस गांव में भागवत होनी चाहिए दोबारा से सदस्य, तो ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसा कहा पहले, सबसे पहले जिन्होंने कहा हो वो कौन से व्यक्ति? सबसे पहले तो देखो एक बच्चा है तुम्हारे, ये बादशाह है बाढ़ पंच, इन्होंने भी बात की मेरे से फोन के द्वारा। एक रूपन भाई थे, उन्होंने भी मेरे फोन के द्वारा बात की। उसके बाद में पूरी गांव बस्ती, जैसे हमारे पदम सिंह जी हैं, हरेंद्र वगैरह, पूरी यानी पूरे गांव का सबका प्रेम मिला है और सबका ही सलाह थी, सबने प्रोग्राम को कराया। ये आपका परिचय? हमारे परीक्षित महाराज बनाए जाते हैं, जो क्यों सुखदेव जी ने कथा परीक्षित को सुनाई थी। ये हमारे बच्चों सिंह जो हैं वो पते हैं और जोड़े से रथ बनाया गया। जी ब्यासी में आपसे जानना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ हमारे यहाँ भी भागवत होती है, उत्तर प्रदेश में मैं हाथस से बिलोंग करता हूँ, अभी इस फिलहाल मैं आज से यहाँ पे आया हूँ आपके इस गांव के अंदर में खास करके इस भागवत में समय होने के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि यहाँ एक रिवाज चलती आ रही है, रीति रिवाज, जैसे कहते हैं भागवत में भांजे हुए या फिर जो कि बहू जोड़े के साथ भतीजे के साथ में वो जो मान रखा जाता है वो उसका उसमें वो एकादशी माता बहनों ने जो उद्दापन किया है, मैं मतलब की प्रक्रिया से बहनों को बुलाया जाता है और सेवा आती है, क्योंकि एकादशी का उत्तर किया है माता बहनों ने। जिन 14 जी से हैं इन्होंने अपने भांजी को बुलाया और बहन भांजी को दान चाहिए। जी सर्वोपर है।